हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है एक और नए वीडियो में इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था जर्मनी का जो नया जॉब वैकेंसीज के बारे में उसके बाद लोगों का तमाम डिफरेंट क्वेश्चंस आने लग गए हैं मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं आपके सामने ताकि आपका भी ये डाउट रहेगा तो कहीं ना कहीं वो क्लियर हो जाएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन था आप में से मेरा बहुत व्यूअर का वो ये है कि ये जो वैकेंसीज़ आने वाला है जो बीस हजार का कोटा था अब नब्बे हज़ार कर दिया गया है तो ये नब्बे हजार का कोटा कब से चालू होगा तो दोस्तों इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है ऑफिशियली लेकिन बहुत जल्दी ये जो है अनाउंसमेंट हो जाएगा कि जो कोटा है वो कब से चालू होने वाला है हालांकि जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें 2025 से कहा गया है लेकिन कौन सा महीना से चालू होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और जैसे ही सब कोई औपचारिक डिक्लेरेशन आएगा मैं आपके सामने जरूर लेकर के आऊंगा जो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का आया था वो ये है कि जर्मनी में क्या एज क्राइटेरिया होगा तो दोस्तों जनरली यूरोपियन यूनियन का जितना भी कंट्रीज है दोस्तों मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स जो है वो 45 मैक्सिमम एज लिमिट्स देते हैं लेकिन कहीं कहीं आप 46, 47 है तब भी चल जाता है अगर आप फिजिकली फिट हैं तो नहीं तो 45 को मैक्सिमम एज लिमिट मानते हैं जॉब्स के लिए लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि आपका पोजीशंस क्या है अगर आप कोई सीनियर लेवल पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एज का क्राइटेरिया अलग रहता है ठीक है तो शायद क्लियर हो गया एज के बारे में तीसरा क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हम जर्मनी जाते हैं तो क्या सैलरी ऑफर किया जाएगा तो दोस्तों जर्मनी में जो सैलरी है वो लगभग एक यूरो से लेकर के छ यूरो तक है अब आपको यह समझना है आपका पोजीशन कौन सा है आप कौन सा है? स्किल के बेस में आप जा रहे हैं जॉब्स के लिए तो जैसे जैसे आपका स्किल्स रहेगा जो भी आपका स्किल्स और एक्सपीरियंस रहेगा एजुकेशन रहेगा पोजीशन रहेगा उस हिसाब से आपका जो सैलरी है वो निर्धारित किया जाता है जो अगला क्वेश्चन था आप लोगों में से कि क्या जर्मनी जाने के लिए जर्मन लैंग्वेज जानना जरूरी है तो जी हाँ मैक्सिमम जॉब्स के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है भले वो ए वन है ए टू लेवल का हो बेसिक लेवल का हो लेकिन जानना जरूरी है और इसीलिए जिसका भी एक सपना हो जर्मनी जाकर काम करने का सेटल होने का तो उनको अभी से कोई जर्मन लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट में एडमिशंस लेकर के लैंग्वेज सीखना चालू कर देना चाहिए अगर आपके पास ए टू या ए वन लेवल का भी सर्टिफिकेशन होगा तो कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल को पहले कंसिडर किया जाएगा और ध्यान रखिए हर साल अभी नब्बे हज़ार जॉब्स वहाँ से आने वाले हैं यानी नब्बे हजार का कोटा हर साल निकलेगा तो आप समझ सकते हैं इंडिया में नब्बे हज़ार का जॉब्स ही नहीं निकलते हैं गवर्नमेंट का ठीक है आपको एक ही कंट्री जर्मनी आपको इतना देखने को मिल रहा है और ये लगभग पाँच साल तक कंटिन्यू चलेगा तो कहीं ना कहीं अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जाके जर्मन लैंग्वेज सीखें और कोई भी स्किल सीख लें मैंने बहुत सारे स्किल्स के बारे में कल का वीडियो में बताया था कि कौन कौन सा जॉब का रिक्वायरमेंट है और अगर उस जॉब में अगर आप काम करना चाहते हैं उस स्किल में आप अपने आप को एक्सपर्टाइज करना चाहते हैं तो जाके अभी से सीखना चालू कर दीजिए साथ ही साथ जर्मन लैंग्वेज भी सीखना चालू कर दीजिए ताकि आप जर्मनी में जाकर के आप अपना करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं जो अगला क्वेश्चन था कि वहां जाने के लिए कितना दिन का प्रोसेस लगता है यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस कितना लगता है तो देखिए यूरोप का मैक्सिमम कंट्री में जाने के लिए आपको पीसीसी लेकिन जर्मनी के लिए कोई डिमांड नहीं किया गया है कि आपके पास पीसीसी होना जरूरी है ठीक है तो बिना पीसीसी का भी आप जो अप्लाई कर सकते हैं बसरते हैं आपके पास स्किल्स और लैंग्वेज होना चाहिए ऐसा बहुत सारे जॉब ऐसे भी हैं जिसमें आपको जर्मन लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं बेसिक तो आप जा करके जर्मनी का जॉब ले सकते हैं भीजा ले सकते हैं अब जर्मनी जाने का फ़ायदा क्या है बताता हूँ आपको मैं जर्मनी में जो लोग हैं दोस्तों एज ग्रुप बहुत ज़्यादा ओल्ड होते जा रहा है और वहाँ का नंबर्स जो है यानी कि सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन आर एज पीपल नाउ ठीक है वो एज होते जा रहे हैं उनका तो कहीं ना कहीं उनका पॉपुलेशन एक साथ कम होने वाला है समझ रहे हैं आप ठीक है तो अगर आप अगर जाते हैं वहाँ पर तो आपको पी मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर पी मिलता है उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर जर्मनी जैसे देश में अगर आप सिटीज़नशिप लेते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर और आपका आने वाले पीढ़ी का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है बाकी ये तो आपको डिसीजन लेना है कि आगे, आगे आपको क्या करना है हालांकि जर्मनी ने ऐसा जो भी फैसला लिया है इंडियंस को लेकर के ठीक है क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम होते होते जा रहा है आगे बढ़ नहीं रहा है तो अगर इंडियंस जा करके वहाँ पर बसते हैं तो कहीं ना कहीं उनका देश में जो पॉपुलेशन से उसमें ज़्यादा नंबर्स तो बढ़ेगा है कि नहीं इसीलिए हर साल नब्बे हजार का कोटा दिया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को क्योंकि इनका जो विदेश नीति है दोस्तों उस विदेश नीति के तहत ये सब हो रहा है ठीक है अगर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बात करूंगा क्योंकि मैं बात करूं जॉब्स को लेकर के तो आपको यह समझना है डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है यूरोपासीवी कवर लेटर आपके पास अगर पी बना लेते हैं तो सोने पे सुहागा है इसके अलावा जो भी आपका एजुकेशन है जो भी आपका ट्रेनिंग्स हैं उस सभी का सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और जर्मन लैंग्वेज अगर आपने सीखा है तो उसका सर्टिफिकेशन ये सब ले करके आप अप्लाई कर सकते हैं एक चीज और बता दूं, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो अभी शायद यहाँ का जो गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले सकता है कि तमाम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए और ट्रेनिंग के बाद कैंपस इंटरव्यू करा करके इनको प्लेसमेंट किया जाए क्योंकि कुछ जगह ऐसे हो रहा है ठीक है जैसे यूपी में एक जगह मैं नाम नहीं बताऊंगा वहां पर भी हो रहा है जहां पर लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है ट्रेनिंग देने के बाद कैंपस सिलेक्शन हो रहा है और उसके बाद उनको लेकर के जाया जा रहा है जहां पर आपको बहुत कम खर्च में जा सकते हैं आप लेकिन अगर आप किसी एजेंसी के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा पे करना पड़ता है क्योंकि उसमें लॉयर चार्जेस है और बहुत सारे चार्जेस हैं जो इंक्लूड रहता है ठीक है तो इसलिए आपको ज्यादा चार्जेस पड़ता है लेकिन जैसे आपको मैंने इंस्टीट्यूट बताया यूपी का वैसे अब तमाम स्टेट में होने वाला है जहां पर आप ट्रेनिंग लेकर स्किल्स लेकर के लैंग्वेज कर सीख करके जॉब्स के लिए जा सकते हैं और इसमें जर्मनी का जो पहल है काबिल तारीफ है आप लोगों को अभी से जर्मन लैंग्वेज और स्किल्स सीख लेना चाहिए ताकि आप अपने जिंदगी को एक ना आयाम दे सकें दोस्तों बाकी जो भी नए अपडेट्स आएंगे चाहे वो ट्रेनिंग का हो चाहे जॉब्स का हो चाहे वो वीजा प्रोसेस का हो चाहे डॉक्यूमेंटेशन का हो कुछ भी चेंजेस होता है तो मैं आपको आगाह कर दूंगा मेरे नए वीडियो के साथ अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन आया था जर्मनी को लेकर के मैंने आपके साथ साझा किया है अब की बार कोई भी चेंजेस आता है दोस्तों तो मैं डेफिनेटली तुरंत एक वीडियो बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अपडेट रहे अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं और जर्मनी जाकर के सेटल होना चाहते हैं तो आपका जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि कौन कौन सा स्किल्स आपको सीखना चाहिए ध्यान से समझिएगा और नोट कर लीजिएगा अगर जो भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उसके स्किल्स अभी से आप सीखना चालू कर दें ड्राइवर्स हैवी ट्रक ड्राइवर लॉरी ड्राइवर बस ड्राइवर लोकोमेटिव इंजन ये सब चीज़ का दोस्तों ड्राइवर में जाना चाहते हैं तो रेलवे में है ब्रेक सिग्नल एंड स्विच ऑपरेटर का, का काम के लिए मशीन ऑपरेटर में है पेपर रबर प्लास्टिक मेटल केमिकल मिनरल और बहुत कुछ है कैबिनेट मेकर एंड रिलेटेड वर्कर्स में हैं फूड प्रिपरेशन में बेकर्स है पेस्ट्री कुक है बूचर्स है फिश मोंगर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स हैं इलेक्ट्रिशियंस हैं प्लबर एंड फीटर्स हैं कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर का काम है स्प्रे पेंटर्स एंड वर्निशर्स हैं ब्रिक लेयर एंड रिलेटेड वर्कर्स है फॉरेस्ट्री एंड रिलेटेड वर्कर्स है फायर फाइटर्स है क्लर्क्स में पर्सनल है ट्रांसपोर्टेड अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का है डेंटल असिस्टेंट एंड थेरेपिस्ट है नर्सिंग एसोसिएट्स प्रोफेशनल है मैकेनिकल टेक्नीशियंस हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस में इलेक्ट्रॉनिक का है इलेक्ट्रॉनिकल है एंड सिविल इंजीनियरिंग का है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है सिस्टम एनालिस्ट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स है प्राइमरी स्कूल टीचर का भी है और ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट का है दोस्तों आशा करता हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जानने को मिला होगा अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर करें अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही बेलाइक को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें मैं कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे भी इजाजत थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत